नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बायोलॉजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड के जो अलग अलग बैच हैं, जैसे 2018 बैच, 2019 बैच, तो उनके अलग अलग प्रश्न आ रहे थे, जिसमें कुछ जो छात्र हैं जिनका जो रिजल्ट है अभी हाल ही में आया चतुर्थ सेमेस्टर का, उनकी किसी सब्जेक्ट में बैक है, उनके बहुत से प्रश्न हैं। और साथ ही साथ 2019 बैच का रिजल्ट कब आएगा, उनके जो है वो प्रश्न है। साथ ही साथ जो नई शिक्षक भर्ती है, जूनियर भर्ती है, यूपी टेट है, तो अनेक सवाल हैं। तो उसके संदर्भ में आज जो आपके बैच रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जो आपका पीएनपी कार्यालय है वहां पर जाकर उन सभी जो प्रश्न हैं उनके हल ढूंढे हैं। और अभी मैं आपको डायरेक्ट वीडियो दिखाता हूं जिनमें वो लाइव आकर उन्होंने आपके जो भी प्रश्न हैं उनके आंसर जो है वो दिए हैं। तो आप डायरेक्ट ही वो वीडियो देख लीजिए और सारे जो आपके प्रश्न के आंसर हैं आपको मिल जाएंगे। पहली चीज कि जो स्टॉप रिजल्ट आ रहा है सबके में, डीएलएड 17 बैच और 18 बैच के जो साथी का रिजल्ट में स्टॉप रिजल्ट आ रहा है, वह साथी पहले नंबर एक भी प्रकार से परेशान ना हो, उनका रिजल्ट ऑटोमेटिक सही कर दिया जाएगा। जिनके भी रिजल्ट में स्टॉप रिजल्ट आ रहा है, वो डाइट को अवगत कराए, डाइट परीक्षा नियामक को फॉरवर्ड कर दे रहा है, वो ठीक हो जाएगा स्टॉप रिजल्ट वाले। और जो साथी ये प्राइवेट कॉलेज वाले जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि आपका एक विषय में बैक है, दो विषय में बैक है, आपको पूरे पूरे चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं देनी पड़ेगी, वह पूर्णतया एक प्रकार से अफवाह है। ऐसा कोई भी कॉलेज प्रशासन करता तो उनके खिलाफ तुरंत डाइट प्रचार से शिकायत करिए। आपका एक विषय में बैक लगा हुआ है या दो विषय में लगा है, आप बैक फॉर्म भर सकते हैं अपने कॉलेज से जाकर, और वहां पर एक विषय की परीक्षा आप दे सकते हैं अपने निर्धारित समय में जो समय सारणी जारी हुई है। जिसी प्रकार से बहुत सारे साथियों की इस पे बहुत ज्यादा फोन आ रहा था कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है, मैं भैया एक विषय में बैक लगा है, बार बार में हर पेपर के लिए परीक्षा फॉर्म भरवाया जा रहा है, वह पूर्णतया गलत है। आपका जिस विषय में बैक लगा उस बैक की परीक्षा आप देंगे। अब उसके बाद आता है कि 19 बैच के रिजल्ट कब आएगा, और जिसमें 17, 18, 19 बैच के जो बैक वाले हैं, जो फ्रेश वाले, बार बार एक सवाल रखे हुए हैं कि उनकी परीक्षा कब आएगी, उनका रिजल्ट कब आएगा। तो उनको बता दूं, वो छात्रवृत्ति से परेशान ना हो, जो 19 बैच वाले हैं वो छात्रवृत्ति से परेशान है, 17 बैच वाले भर्ती और टेट से और सीटेट से परेशान। तो उनको बता दे रहा हूँ, आपका अगले सप्ताह तक तैयारी पूर्ण कर चुका है परीक्षा नियामक, और अभी भी मैं जब गया था सचिव नियामक सर जुटे हुए हैं रिजल्ट के लिए, वो कंप्यूटर पे ही बैठ के पूरा डाटा तैयार हो रहा है। जहां तक है ईश्वर की दुआ से संभवतः आपका अगले ये इस सप्ताह तक आ जाना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर 30 जनवरी के पहले प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट आप सब आराम से देख लेंगे, द्वितीय सेमेस्टर इस सप्ताह तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब आती है कि तृतीय सेमेस्टर का स्कूटनी का फॉर्म कब आएगा, तो इस सप्ताह आपका स्कूटनी का फॉर्म आ जाएगा। स्कूटनी का फॉर्म आप डालकर आप अपनी परीक्षाएं, आप स्कूटनी का फॉर्म डालकर आप मूल्यांकन करवा सकते हैं। अब आता है बहुचर्चित और यूपी टेट के लिए और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे जो साथी हमारे बैच पूर्ण कर चुके हैं, 15 बैच, 17 बैच, 18 बैच के, उनकी बहुत सारी समस्याएं थी कि यूपी टेट कब होगा, जूनियर भर्ती में हम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, यूपी टेट के लिए एक बार फिर प्रस्ताव भेजा जा चुका है, और हमें नहीं लगता, परीक्षा नियामक ने कहा कि हमने प्रस्ताव भेज चुके हैं, ये शासन के ऊपर निर्भर है यूपी टेट कब होगा कैसे होगा। हमारा काम था यहाँ प्रस्ताव भेजना, तैयारी पूर्ण करके हमने प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन शासन से पास नहीं हो रहा यूपी टेट कब होगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अब 31 जनवरी के बाद एक बड़े संघर्ष के साथ हमको आपको यूपी टेट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मैटर ये फंस रहा है कि ये हम जिस हिसाब से आज परीक्षा नियामक सचिव दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि यूपी शिक्षक भर्ती पहले शिक्षक भर्ती ये बिना यूपी टेट के निकाले, ये प्रकार जान लीजिए कि कुल मिलाकर यूपी टेट की वजह से इन्होंने अटका रखा है शिक्षक भर्ती को। इसलिए यूपी टेट के लिए हर हाल में प्रयास करने के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास करने के लिए आप सब हर स्तर से संघर्ष होने के लिए 31 जनवरी के लिए बाद तैयार रहें, फिर से एड़ी चोटी लगाकर हर हाल में दबाव बनाकर विज्ञापन के लिए यूपी टेट शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास किया जाएगा। अब आता है जूनियर शिक्षक भर्ती, कि जूनियर शिक्षक भर्ती जो आया हुआ है वहां से प्रस्ताव भेजा गया है, इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी टेट जूनियर शिक्षक भर्ती जल्द जारी होगी, कुछ लोग कह रहे हैं भैया हम सब शामिल नहीं हो पाएंगे। उनको मैं बताना चाहता हूं कि 15 बैच, 17 बैच, 18 बैच स्पष्ट रूप से इस सीटेट को पास करे, वो हर हाल में जूनियर शिक्षक भर्ती में बैठेगा। हमारी सदस्यीय टीम द्वारा ज्ञापन दे भी जा चुका है, ज्ञापन देकर अवगत करा दिया चुका है कि हम सब जिस समय शासन द्वारा जूनियर में
डीएलएड को शामिल किया गया तो उस समय यूपी टेट में प्रस्ताव नहीं था, इसलिए कोई जूनियर फॉर्म नहीं डाला था, इसलिए इस भर्ती में हम सबको एक बार मौका दिया जाए। तो इसके तहत आज नियामक द्वारा कहा गया कि आप चाहे ज्ञापन दें या ना दें, सरकार के पास संज्ञान भी यह मामला है और आप सब जो है इस जूनियर शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। इस सीटेट के बाद या जूनियर जो यूपी टेट आएगा उसके बाद जूनियर भर्ती होगा। हमको प्रस्ताव के लिए भेजा गया है, हम तैयारी चार संस्थाओं के साथ मिलकर परीक्षा के लिए तैयारी बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम लिखित रूप से अपनी तैयारी जब पूर्ण करने के बाद हम शासन को भेजेंगे, उसके बाद जब आदेश आएगा विज्ञापन जारी होगा तभी आप सब सम्मिलित होंगे। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि जूनियर शिक्षक भर्ती डेढ़ महीने तक, हमको नहीं लगता कि डेढ़ महीने से पहले परीक्षा नियामक प्रस्ताव को भेज पाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि डेढ़ महीने से ज्यादा जाएगा समय जूनियर शिक्षक भर्ती का। तो मतलब मन में आप ये ख्याल निकाल दीजिए कि आप सब जूनियर शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। आप स्पष्ट रूप से जूनियर शिक्षक भर्ती में इसबल हैं, आप सब इसमें शामिल होंगे, टेट सीटेट के बाद आप भर्ती में आराम शामिल हो जाएंगे। पहली तो यही थी आपकी वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं कि बहुत से प्रश्नों के जो आपके अलग अलग आ रहे थे उन सभी के सॉल्यूशन आपको मिल गए हैं। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि काफी लोग इन्हीं सभी प्रश्नों से परेशान है, तो सभी को जो है इसके सॉल्यूशन मिल सके और अपनी पढ़ाई में वे मन लगा सके जो उनका चतुर्थ सेमेस्टर का फरवरी माह में पेपर प्रस्तावित है। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।